कि तुम्हें बेबसी भूलूं। चारों मिसरे सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें बेबसी भूलूं जानी पड़ेगी, तुम्हें बेबसी भूलूं जानी पड़ेगी। मदीने की गलियों में आकर तुम्हें बेबसी भूल जानी पड़ेगी। मदीने की गलियों में आकर तू देखो, समझ जाना ईमान का हमको कच्चा, नबी के लिए कट मरे बच्चा बच्चा। यकीन कर नहीं है तुम्हें ऐ लईनो, किसी दिन हमें आजमा कर तो दे के सरकारे 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 दो आलम का सरकारे सरकारे तो आलम का रोजा। वो मिसरा पढ़िए, मोहम्मद न होते सरकारे दो आलम का रोजा है मदीने में। मोहम्मद न होते कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। देखिए मैं पूरा मतलब पढ़ लूं, सरकारे दो आलम का रोजा है मदीने में कैसे। काबे का काबा क्यों कहा गया, जरा इस बात को सुनिए। देखिए साहब, हमारा काबा और किबला सब काबतुल्ला है, वही हमारा काबा है, वही हमारा किबला है, उसी की तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। एक मिनट मेरी बातों को सुनेंगे, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा आपको भी। तो देखिए, काबे का काबा मेरे आका को जो कहा गया है रोजे को क्यों कहा गया है। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों ने देखा हम और आप सब झुकते हैं किसकी तरफ, काबे की तरफ। लेकिन जब आका दुनिया में तशरीफ लाए तो काबा किधर झुका,
मेरे आका के घर की तरफ। काबा किधर झुका? आका के घर की तरफ, इसलिए आका को काबे का काबा भी कहा जाता है। अब शेर सुन लीजिए साहब, अल्लाह के काबे का, अल्लाह के काबे का, काबा दीदार से मिलती है पा
पाकीज़गी नजरों को अनवारे इलाही का, अनवारे इलाही का, अनवारे इलाही का। क्या बात है, ये हमारे भाई ने 100 रुपए से नवाजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात पर? अनवारे इलाही का, अनवारे इलाही का, अनवारे इलाही का। Yeah.